हाय, दिस इज कुंदन सिंह और आप देख रहे हैं SKH न्यूज चैनल, फिरोजाबाद की नंबर वन न्यूज चैनल। SKH न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल हैप्पी होली। अमेठी की सियासत में उस समय भूचाल आ गया जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी के साथ साथ केरल से चुनाव लड़ने की घोषणा हुई। उनके दो जगह से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस के MLC डॉक्टर दीपक सिंह ने बताया कि पूरे देश के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़े। निश्चित रूप से केरल से उनके चुनाव लड़ने की डिमांड है। अमेठी के कार्यकर्ता और अमेठी का हर नागरिक चाहता है कि राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़े। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, उत्तर भारत की अमेठी के चुनाव लड़ेंगे और गांधी के जीत का जो अंतर होगा वह अमेठी के केरल से ज्यादा होगा। अमेठी में राहुल गांधी 5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। अमेठी का जो सांसद होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। पहली बात तो राहुल गांधी अगर अमेठी पे चुनाव केवल अमेठी पे लड़ते तभी स्मृति ईरानी इस बार चुनाव जीतती। 2014 से जो विकास कार्यों पे अमेठी की जनता मतदान कर रही है और इस बार अमेठी से स्मृति जी जीत रहे हैं। रही बात राहुल गांधी का दो जगहों से चुनाव लड़ने का, तो डर सबको लगता है। जिस तरीके से 2014 से सक्रिय हुई हैं दीदी स्मृति जी, अमेठी की जनता बढ़ चढ़ कर जिस तरीके से दीदी के साथ चल रही है कदम पे कदम मिलाकर, उससे राहुल गांधी डर गए हैं, इसलिए अमेठी छोड़ के यहाँ पे जा रहे हैं। अमेठी वाले 15 वर्षों से राहुल गांधी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी तरह समझ चुके हैं। उनको भी लग गया है कि इस बार अमेठी मेरे हाथ से गई, इस वजह से अमेठी के साथ साथ दूसरी जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अमेठी से भी लड़ेंगे और केरल से भी लड़ेंगे, छोड़ नहीं रहे अमेठी। भाई अगर अमेठी अकेले पे लड़ेंगे चुनाव हार जाएंगे, हारने के बाद कहाँ जाएंगे, तो दूसरी जगह अगर कोई जीत रहेगी, वैसे वहाँ भी इनको जीतना नहीं है, दोनों जगहों पर राहुल गांधी हारेंगे, लेकिन मन की तसल्ली के लिए अमेठी के साथ दूसरी जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डर सबको लगता है, इस बार राहुल गांधी डर गए हैं और अमेठी निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के लिए कमल का फूल दीदी स्मृति के रूप में यहाँ से भेज रही है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि इसकी परंपरा रही है, इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ी है दो जगह से, सोनिया गांधी भी लड़ी है, उसी क्रम में राहुल गांधी भी चुनाव लड़े हैं दो जगह से। जब पहली बार कांग्रेस का कोई नेता डरता है, जैसे सोनिया जी पहली बार आई राजनीति में तो अमेठी और बेल्लारी से लड़ी चुनाव, दोनों जगह जीती छोड़ दी, तब की परिस्थिति दूसरी थी। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और कांग्रेस का उसमें कोई स्थान नहीं है। दो नहीं, ये 3 जगह पर चुनाव लड़ने, तीनों जगह पर इनको चुनाव हारना है। भैया राहुल गांधी जी 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पूरे देश के नेता चाहते हैं राहुल गांधी जी उनके प्रांत से चुनाव लड़े। निश्चित रूप से अगर केरल से राहुल गांधी जी के चुनाव लड़ने की डिमांड है, अमेठी का कार्यकर्ता, अमेठी का हर नागरिक चाहता है राहुल गांधी जी केरल चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी जी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी दक्षिण भारत चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी उत्तर भारत की अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी इस बात का यकीन दिलाता है कि राहुल गांधी जी के जीत का जो अंतर होगा केरल